हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप और हमने आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है। न्यू फार्म बनाने के बाद 2 महीने बाद हम वीडियो बना रहे हैं और आज 2 महीने बाद ही हमारे फार्म पे चिक्स आए रात में 8:30-9 बजे करीब। तो हमने इनको खोल दिया है और इस बार हमने अखबार जहाँ पानी के ड्रेंकर वहीं दिया है। और जगह है कम, कल सुबह थोड़ी जगह और देंगे इसको ताकि कोई बच्चा भाग रहा है गर्मी का टाइम तो आराम से फिर पानी दे रहे हैं। जगह कम होने के कारण ये घूम नहीं पा रहा है। जो हमारा मैनेजमेंट है इस तरीके से है पूरा। पानी की बात करें तो पानी में हमने हफ्ते ही इनको शक्कर और सिरका और मीठा सोडा मिला के लिए है ताकि ठंडे पानी में ज़्यादा नॉर्मल पानी में गर्म नहीं किया क्योंकि जो थकान सफ़र कर जाए दूर बढ़ जाएगी। क्योंकि रात में लगाना इकट्ठे नहीं होने चाहिए बच्चे, जो बच्चे इकट्ठे होंगे तो मोर्बिडिटी बढ़ जाएगी। एक एक बच्चा ऐसे हिलना चाहिए और ये 3FG बच्चा है वो जल्दी ग्रोथ लेगा। और फीड हमने जिनमें ये चिक्स आए थे वही पत्ते को काट काट के इस तरह से फीड के लिए यूज किए हैं। कल सुबह हम थोड़ी सी और जगह इसको फार्म में बढ़ाएंगे क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से मैं बच्चे पाल रहा हूँ पूरी जानकारी दूँगा। जिस भाई को इस तरह से पानी कि कम से कम भी हमने 24-25 टैंकर लगाए हैं। ये जगह कम है घूम नहीं पा रहे हैं और मैं जितने जब तक ये सेल नहीं होंगे 55 दिन तक पूरी अपडेट दूंगा। दोस्तों मेरी वीडियो शेयर और लाइक कर दूँ ताकि जैसे भी मैं पालता हूँ बच्चे कम कॉस्ट में इसी हिसाब से पूरी जानकारी दूंगा। कोई भाई पूछता रहता है फ़ोन पे वो भी वीडियो देख सकते हैं मेरी भाई इस समय किस तरह से। और ये 2200 चिक्स करीब हैं और हमने जगह 1500 चिक्स आने थे फिर हमने 700 चिक्स और बढ़ा लिए ताकि आगे मार्केट अच्छी है क्योंकि इनको इकट्ठा नहीं होने देना, एक दिन को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है इस तरह से ताकि बच्चा को खुला भी होगा तो दौड़ने के लिए जगह अच्छी है। और अगर किसी दोस्त को चिक्स वगैरह चाहिए तो हमारी हैचिंग भी चल रही है। 21 अगस्त है, बुकिंग करवा सकते हैं। कल हम पानी में खा देंगे सुबह फिर वीडियो डालेंगे, शाम के पानी में क्या देंगे फिर डालेंगे। इस तरह से हम पूरे मैनेजमेंट की वीडियो डालेंगे। एक बार और अखबार का भी खर्चा बच गया कि अखबार वहीं यूज किया क्योंकि नीचे में मिट्टी डाल रखा है बालू जो समर्सिबल नल के नीचे निकलती है बालू ट्यूबवेल के अंदर से, उसमें बच्चा ठंडा रहेगा पूरा। ये मैंने और कौन सी दवाई देंगे वो भी डालेंगे इस बार वीडियो में।
कल फिर वीडियो डालेंगे।